देखिए आपके सामने ऐसे मल्टीप्लिकेशन बहुत बार मिलेंगे आपको कैलकुलेशन जब आप करते होंगे। होता क्या है कि कोई भी दो नंबर ऐसे जिनका यूनिट प्लेस 5 है और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 10 है। नंबर दोनों यूनिट प्लेस 5 होगा दोनों नंबर का और डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्विकली कैसे किया जाएगा समझिए एक बार। जब भी दोनों नंबर का यूनिट प्लेस 5 होगा तो आप लास्ट का 75 हमेशा ऐसा ही रहेगा। बाकी आपने 2 और 3 इन दोनों में बड़ा नंबर को उठाना है तो 2 और 3 में बड़ा है 3। सो 3 का नेक्स्ट नंबर आपको लेके आना है, 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4 और इस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 875। यही आपका आंसर है। फिर से एक बार सुनो आप, जब भी 5 आएगा डिफरेंस 10 होगा तो आपको डायरेक्ट लास्ट में 75 लिखना है। 5 ये वाला और 4 इन दोनों में बड़ा नंबर 5 है, 5 का नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 6 और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ये इसका आंसर है। एक बार और समझिए, लास्ट का जब भी 5 होगा 75 आएगा ही आएगा हमेशा। 10 और 9 में 10 बड़ा है, 10 का नेक्स्ट नंबर 11, 11 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में 75 into 85 का आंसर आप लोग बताएं।